मेरे पाकिस्तानियों, एक हमारे जो बुजुर्ग वो कहा करते थे कि जब आप एक झूठ बोलते हैं उस झूठ को कवर अप करने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। यानी आप जब एक गलत काम कर लेते हैं तो उस गलत काम को कवर करने के लिए आपको मुसलसल गलत काम करने पड़ते हैं। रिजीम चेंज हुआ, एक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने फैसला किया कि जनाब इमरान खान मुझे पसंद नहीं है, और उसने फैसला किया इसको हटाने का। शहबाज शरीफ उसको बहुत पसंद था, वो समझता था शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है और इसहाक डार से बड़ा कोई इकोनॉमी का विजिट कोई नहीं है। तो उसकी भी अकल जरा देख लें कि उसने जब ये फैसला किया, और भी वजूहत थी जो मैं कभी आपको बताऊंगा कि सिर्फ यही नहीं थी, और भी उन वजूहत थी कि उन्होंने फैसला किया गवर्नमेंट गिराने का। लेकिन जब गवर्नमेंट गिरा दी और जब पता चल गया कि पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया इंपोर्टेड हुकूमत को, जब वाजे हो गया कि पब्लिक इसे इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं कर रही, ट्विटर के अंदर सारे रिकॉर्ड्स टूट गए इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, एक पाकिस्तानियों की आवाज सारी जगह से आगे, कभी पब्लिक निकली नहीं ऐसे जिस तरह 10 तारीख को, 10 अप्रैल को पब्लिक सड़कों पर निकली बताने के लिए कि हम एक्सेप्ट नहीं करते इस चेंज को। उसके बाद बाय इलेक्शंस हुए, उनके अंदर वाजे हो गया जब 37 बाय इलेक्शंस में से 30 तरीके इंसाफ जीत गई, तो ये सारे जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी और ये जो सारे 12 पार्टीज की इंपोर्टेड ये जो बैठ गए आके घुसबैठिया हम इनको कहेंगे, यानी यूजर्पर्स कहेंगे अंग्रेजी में, वो लोग जिनकी कोई लिजिटिमेसी नहीं है, जो ऑक्शन बजाय इलेक्शन से पैसे खर्च करके एक आर्मी चीफ के साथ मिलके, जिसने खुफिया एजेंसी साथ मिला के गवर्नमेंट गिराई हुई थी, और ये जब इनको जब पता चलता गया कि पब्लिक इनके साथ नहीं है, तो इनको एक खौफ आना शुरू हो गया कि किसी तरह इलेक्शन ना हो पाकिस्तान में, और इन्होंने इलेक्शन से भागने की पूरी कोशिश की और करते गए, हर चीज करें बल इलेक्शन ना हो। तो उसके लिए जो उन्होंने कदम उठाए, मैं अभी पहले लेटेस्ट से शुरू करता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा कि इन्होंने जुल्म कितने किए, क्या क्या किया, वो मैं उसके ऊपर, जो आज हमारी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है जो इन्होंने हमारी वायलेशंस की उसके ऊपर व्हाइट पेपर जो हमने दिया है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। मैं सिर्फ आज आपको बताऊं कि उस झूठ को, उस गलत काम को कवर करने के लिए ये मुल्क कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहा है। आज हंगामी शहबाज शरीफ एक मीटिंग करता है कैबिनेट की, और उसके बाद जब लोग तरावियां में मसरूफ होते हैं तो एक फैसला आता है जल्दी जल्दी से पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट क्या है, जिसके अंदर ऑपोजिशन लीडर नून लीग का टिकट लेना चाहता है, उसको ऑपोजिशन लीडर बनाए हुए एक लोटे को, वो बैठ के जल्दी से फैसला कर लेते हैं कि जी चीफ जस्टिस के ऊपर सो मोटो एक्शन के ऊपर जो भी उन्होंने फैसला किया। देखें, मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि पाकिस्तान में जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और जो हम अब पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जो इंशाल्लाह जो इस दलदल में से हम निकलेंगे, तो उसमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी होंगे और जुडिशियल रिफॉर्म्स भी होंगे, क्योंकि हमें जब तक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट और जब तक हम इस मुल्क के अंदर जल्दी से अपने जस्टिस डिलेड ना हो, इंसाफ के जितनी जल्दी हम इस मुल्क में इंसाफ दे सकें लोगों को, हमारा मुल्क उतनी तेजी से खुशहाली की तरफ जाए, वो तो हम सब मुत्तफिक। लेकिन मैं इनकी नीयत के ऊपर शक कर रहा हूं, और मुझे हमेशा शक रहा है, क्योंकि ये लोग कभी भी अदलिया को आजाद और मजबूत नहीं देखना चाहते थे। जिस शहबाज शरीफ ने आज ये जल्दी जल्दी में फैसला किया, और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया, और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते, तो सारी चीजें वहीं से शुरू हो रही हैं कि ये सारे डरे हुए इलेक्शन से, उससे भागने के लिए प्रेशर पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि इलेक्शन किसी तरह ना करवाए। तो ये मैं क्यों इनकी नीयत के ऊपर शक करता हूं, ये वो लोग थे, ये शरीफ खानदान, इन्होंने सबसे पहले 1990 के अंदर जब प्लॉट्स के ऊपर इनको बुलाया गया, नवाज शरीफ ने बड़े ज्यादा प्लॉट्स दे दिए थे, रिश्वत दी थी लोगों को, पता नहीं पैसे अरबों रुपए के बनाए थे, मैं 1990 की बात कर रहा हूं, तो एक जज ने लाहौर हाईकोर्ट ने इनके ऊपर, इसने इनके ऊपर नोटिस ले लिया, तो तब भी दूसरे जजेस को साथ मिला के रिश्वत दे के उस जज को इन्होंने जीरो कर दिया था। और इनको जज वो पसंद थे, और इनके टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है
कि जज साहब जनाब बेनजीर को 3 साल ना सजा हो बल्कि 5 साल हो। ये वो हैं जो कि इनकी टेलीफोन के ऊपर जजेस इनके ऊपर लाइन पे होते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया। एक सज्जाद अली शाह जैसा एक ईमानदार दयानतदार जज चीफ जस्टिस के उसके सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके उनको वहां से वो जान बचा के भागे। और उसके बाद रफीक ताड़ जो इनका जो जिसको इन्होंने सदर बनाया था उसने वो ब्रीफ केसेस लेके गए और इन्होंने क्वेटा बेंच को खरीदा। ये सज्जाद अली शाह ने अपनी किताब में लिखा और इन्होंने रिवोल्ट करवाई, तकसीम किया और इस तरह एक सिटिंग चीफ जस्टिस को हटाया। अब इनकी ये तारीख है और ये जज वो चाहते हैं जो कि ऐसे अंपायर जो इनके साथ होते हैं। इनको कभी न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट नहीं आया क्योंकि ये इन्होंने गलत काम करने होते हैं। जो भी गलत काम करता है वो एक आजाद और मजबूत और क्रेडिबल अदालत को कभी नहीं आने देगा। और इन्होंने इसी तरह हमेशा सारे इदारों के ऊपर अपने लोग बैठाए, उनसे गलत काम करवाए। आते साथ ही शहबाज शरीफ ने क्या किया, इसने अपना FIA का हेड अपना बनाया। उसने इसकी 16 अरब रुपए के केसेस थे, 4 उसके अंदर गवाह थे जो कि 2 महीने के अंदर सारे हार्ट अटैक से मर गए। जो डॉक्टर रिजवान FIA का था जिसने इन्वेस्टिगेशन की, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो भी मर गया। तो वो सारा खत्म करवाया। 8 अरब रुपए के इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे NAB के अंदर, उसके अंदर भी आते साथ ही पहले अपना आदमी रखवाया और अपना जो इन्होंने आदमी NAB का हेड लगवाया उसने भी आखिर में इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं इनके लिए काम करता, ये गलत काम करवाते हैं। दोनों इदारों की क्रेडिबिलिटी खत्म की, ना FIA की कोई क्रेडिबिलिटी रह गई ना NAB की। वो अब एक वो दो इदारे रह गए जिनका सिर्फ और सिर्फ काम पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मुखालफीन के खिलाफ कैसे केसेस करें। और इनके सारों के केसेस जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे इनके केसेस खत्म हो गए। तो इन्होंने जो आज ये जो 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 एक अदालत को प्रेशराइज, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने के लिए चीफ जस्टिस को किया, सारी कौम आज जबकि वो हम सब चाहते हैं कि अदालतों के अंदर रिफॉर्म्स हों लेकिन इनकी नीयत के ऊपर आज सारी कौम समझ गई है कि इनका सिर्फ मकसद है इलेक्शन से भागना। और इनकी सारी जो चालें हैं अब चल रही हैं और इनके साथ हैंडलर्स मिले हुए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं वो इनके साथ जाके खड़े हो गए। और मैं उसके ऊपर भी बात भी आऊँगा कि फिर कैसे तवक्को करते हैं कि जब लोग तनकीद करते हैं तो वो कहते हैं कि जी देखें किसी इदारे की तोहीन होगी। तो जब आप इन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जिनको 30 साल से पाकिस्तानी कौम जानती है, जिनकी करप्शन के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, तो फिर कैसे समझते हैं कि लोग भी चुप करके न्यूट्रल हो जाएंगे इसके ऊपर। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं कि जब आपने इन्होंने फैसला किया कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने तो फिर इन्होंने रहना कैसे था इक्तदार। उस वक्त जनरल बाजवा ने इनके साथ मिलकर जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं, शायद आमरों के दौरान हो। जनरल मुशरफ के दौर में जब मैं ऑपोजिशन में था, मैं जेल भी गया 8 दिन, मैंने कभी इस तरह की जुल्म नहीं देखा, तशद्दुद नहीं देखा जो जेलों में इन्होंने किया, जो ये जनरल बाजवा ने इनके साथ मिलकर जैसे ही हमारी गवर्नमेंट गई उसके बाद शुरू, 25 मई से शुरू हुआ, 25 मई से इन्होंने तशद्दुद करना शुरू किया और वो बढ़ता ही गया। खास अपना एक आदमी लेके आए हैं यहां जो कि काउंटर टेररिस्ट का टेररिज्म का एक्सपर्ट था, जिसने पाकिस्तान के शहरियों को एक फॉरेन टेररिस्ट की तरह रखा, हर किस्म का तशद्दुद किया, सख्तियां की, सोशल मीडिया के ऊपर की, जो उसके ऊपर भी अभी मैं आऊंगा। लेकिन इनका सारा मकसद ये था कि जिस तरह पाकिस्तान की कौम भेड़ बकरियां हैं, यानी उनको अच्छे बुरे की तमीज है ही नहीं, जिधर उनको डंडे मारोगे वो उधर चली जाएगी, इन्होंने हर किस्म का जुल्म किया सिर्फ और सिर्फ हम सारी कौम को ये एक्सेप्ट करने में, ये जो इन्होंने चोर हमारे ऊपर लाके बैठा दी। और जितना जितना कौम इनको कहती रही कि हम इनको नहीं मानते, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, उतना उतना इन्होंने जुल्म बढ़ाना शुरू कर दिया। और मुझे अफसोस ये है कि जब ऐसे लोग आप ले आए
जिनको कोई पता नहीं है कि इंसानों को किस तरह, इंसानों में और जानवरों में क्या फर्क है, जिनको समझ ही नहीं है कि इंसानों को उनके जेहन होते हैं और उनके दिल होते हैं, हार्ट्स एंड माइंड्स अपने साथ मिला के इंसानों को आप जीतते हैं, आप डंडे मार के तशद्दुद करके रात को लोगों को उठा लें, उनको जाके नंगा करें, उनको मारें, उनको टॉर्चर करें, और फिर ये सोचें कि ये सारे जब सुनेंगे कि ये क्या हो रहा है, तो लोग सब डर के भेड़ बकरियों की तरह लाइन में लग जाएंगे। ये पॉलिसी रही, इसलिए हमने अपनी ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हुई है उसका पूरा डॉसियर दिया, इसमें हमें बताया है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। ना देखी औरतें, ना चादर और चार दीवारी की इनका कोई फर्क था, ना कोई शर्म थी, ना कोई हया थी, ना कोई गैरत थी, जिस तरह की इन्होंने उस वक्त पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ किया, और पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ अंग्रेज के जमाने में भी, अगर आप तारीख पढ़ें हमारी आजादी की और जिसमें आजादी की मूवमेंट्स थी, तो पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ कभी भी अंग्रेज के जमाने में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ जो इन्होंने हमारे साथ किया। मुझे नौजवानों ने आके कहानियां सुनाई, इन्होंने जब हम जेल भरो तहरीक, वो पुरमन तहरीक थी, एक प्रोटेस्ट होता है कि आप कोई अपने मुल्क में तसादम नहीं करना चाहते। और फिर मैं ये भी कह दूं कि जो पार्टी इलेक्शंस चाहती है वो तसादम नहीं चाहती, जो इलेक्शंस नहीं चाहते, जो इलेक्शन से भागते हैं, उनका काम होता है इंतजार फैलाना। ये जो मुल्क में हो रहा है ये वो पार्टी नहीं कर रही जो इलेक्शन से आ रही है। मेरे से हमारे ऊपर हर बार कोई ये एक बदमाश इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर रखा हुआ है, जिसको यानी शर्म आए किसी को कि इस तरह के आदमी को अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करवाए। कोई महजब माशरे के अंदर इस तरह का आदमी को आप अगर बता दें कि ये आपका इंटीरियर मिनिस्टर का मतलब, जो कि जिसने आपकी हिफाजत करनी है, इस तरह के आदमी को बैठा दें जिसकी बैकग्राउंड कत्ल कर रहा है, जो हर जुर्म किया जिस आदमी ने, और वो बैठ के धमकियां दे रहा है, इसको यही नहीं पता कि सारी दुनिया में इसके कमेंट्स गए हैं, और वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में कि एक मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर इस तरह की स्टेटमेंट्स दे, उसको वहां ऊपर बैठा दी, वो धमकियां देता है, उसको समझ ही नहीं है जमहूरियत क्या है, वो तो बदमाश है ना, ये शरीफों को आज तक कभी पता है। ऊपर से ये बड़े मीसने बन जाते हैं, बड़ी मासूम सी शक्लें बना लेते हैं, ड्रामे करते हैं, कभी जाके वो टोपियां पहन के, कभी वो औरतों ये जो आटा दिया जा रहा है अभी वहां तस्वीर खिंचा ली, ये गिमिक्स क्या है, अंदर से जालिम है ये। जो सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हैं वो शहबाज शरीफ ने मरवाए हैं, इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, 97 से 99 तक इसने खुद को 900 लोगों को कत्ल करवाया। आबिद बॉक्सर ने टीवी के ऊपर आके कहा कि मैं इसके हुक्म पे लोगों को कत्ल करता था, ये वो आदमी है जो बड़ी मासूम सी शक्ल बना लेता है। और दूसरा इसका तो सबको पता है, ये इंटीरियर मिनिस्टर को सारे किसी में फैसलाबाद में जाके पूछे इनकी बैकग्राउंड, इनको ऊपर बैठा लिया, पीछे से पूरी बैकिंग थी इनको, जो अपने आप को लोग न्यूट्रल कहते हैं, और उन्होंने उस वक्त हर किस्म का जुल्म करना शुरू कर दिया। और जो इन्होंने आदमी रखा काउंटर टेररिज्म का, अब इनको समझ ही नहीं है सिविलियन से कैसे डील करते हैं, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। वो जाके ऊपर रिपोर्ट देते थे, सर फिक्र ना करें सर, मैं अभी थोड़े और डंडे लगाऊंगा ये ठीक हो जाएंगे, थोड़ा और मुझे जुल्म करने दे तो मैं लाइन में इनको लगा लूंगा। जिस तरह कोई ये इंसान ही नहीं थे। हमारे सोशल मीडिया के लड़कों को उठाया जा रहा है, हर रोज कुछ सोशल मीडिया जो देखते हैं तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उसको उठा लेते हैं, घरों में जाते हैं अखवा करते हैं, कोई वारंट नहीं होता, पकड़ते हैं उनको, नामालूम अफराद आते हैं प्लेन कपड़ों में उठा के ले जाते हैं। ये कौन से किस दुनिया की जमहूरियत में ऐसे होते हैं? फ्रांस के अंदर पब्लिक सड़कों पर निकली हुई है पेंशन के ऊपर, प्रोटेस्ट कर रही है, अटैक कर रही है पुलिस को, पेट्रोल बम फेंक रही है। मुझे फ्रांस में बताएं कि एक आदमी को पुलिस ने रात को जाके घरों से उठाया, अगर वो नहीं मिलते उनके बाप को उठा लेते हैं, उनके भाइयों को उठा लेते हैं। कभी सुना है कहीं ये हुआ है? किसी मुल्क में मुझे बता दें जिधर जमहूरियत है, आप पॉलिटिकल वर्कर्स को रात को उठा रहे हैं उनके घर में, वो नहीं मिलते उनके रिश्तेदार उठा लेते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं और वहां क्या करते हैं, उनसे तशद्दुद करते हैं, उनके
पूछते हैं कि जी बताएं इमरान खान ने ये तुम्हें भड़का रहा है, इमरान खान तुम्हारे से करवा रहे, इतने बेवकूफ हैं, इनको पता ही नहीं कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है। कोई इनको पहले कोई अपने अकल वाले लोग अपने पास बैठा लें, खुदा का वास्ता है ये ऊपर डफर बैठे हुए हैं, ये सनाउल्ला जैसे लोगों कोई समझ नहीं है। आप कम से कम ये समझ तो लें कि सोशल मीडिया फंक्शन कैसे करता है। जिसके पास मोबाइल फोन है उसकी आवाज है, सोशल मीडिया वो है जो अवाम है, जो अवाम के अंदर आवाज है, जो अवाम का नैरेटिव है वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। आप इसको आप 15-20-30 सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ लेंगे तो इससे कुछ रुक जाएगी बात, और नफरतें बढ़ेंगी आपके खिलाफ और सोशल मीडिया हो जाएगा। और यहां चले पाकिस्तान में तो इसको जंगल का कानून है, कोई फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं, जिधर देखें तो आके हमारे यहां लोग अब क्या कर रहे हैं लोग, मैं जरा अपने जमान पा की बात कर, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहां अखवा किया जाता है लोगों को, यहां कानून नहीं है, वो सारे जमा हुए हुए हैं कि डर उनको है कि इमरान खान को उठ अखवा करके ले जाएंगे। वो जो यहां अटैक हुआ था जमान पार पे, वो कानून के मुताबिक नहीं पकड़ने आए थे, वो अखवा करने आए थे, क्योंकि उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं थी मुझे यहां से अरेस्ट करने की। कानून वाजे था, मैंने 18 का कहा मैं जा रहा हूं अदालत में, मैं पहले क्यों नहीं जा सका मैंने बताया, वहां खौफ था दहशतगर्दी का, दो अटैक हो चुके हैं, सिक्योरिटी नहीं मिल सकती थी, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी, एक हमला हो चुका है जान के ऊपर, अल्लाह ने बचाया, पता है इंटीरियर मिनिस्ट्री खुद कह रही है दूसरा हमला होने लगा है। तो उस जगह के ऊपर जिधर आप सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते, तो मैंने कहा उसको शिफ्ट कर दे दूसरी जगह, तो मैं चला जाता हूं। मुझे किस चीज का डर है, मेरे ऊपर कौन सा केस है जो मुझे खौफजदा हूं मैं अदालत में जाने के लिए, क्या मैं दहशतगर्द हूं? 40 दहशतगर्दी के केसेस हैं, आज पता चला कि इस्लामाबाद में मेरे ऊपर कुछ 30 या 40 केसेस कर दिए, 15 केसेस एक दिन में किए हैं। कभी सुना है किसी के ऊपर, किसी लीडर के 15 केसेस एक ही दिन में मेरे ऊपर FIR काट दी? मैं यहां बैठा हूं लाहौर में, मुजाहरा होता है इस्लामाबाद में, 3 दहशतगर्दी के पर्चे कट जाते हैं मेरे। वो बेचारा जिले शाह को ये जुल्म करके तशद्दुद करके उसको मारते हैं, 302 मर्डर का पर्चा मेरे पे कट जाता है। इसलिए लोग यहां बाहर बैठे हैं, किसी को एतमाद नहीं है, ये जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है ये कोई कानून के मुताबिक तो कुछ चीज को कर ही नहीं रही। कौन सी चीज कर रहे हैं कानून के मुताबिक? ये तो सारा जंगल का कानून है। यहां तो लोग खौफजदा हैं कि यहां से उठा के ले गए तो कत्ल कर देंगे, क्योंकि इन्होंने तो पहले कत्ल करने की कोशिश की है। यही तो लोग बैठे हुए जिन्होंने मुझे पूरा ट्रैप कर लिया था कि अल्लाह ने नाम, अल्लाह का करम था कि गोलियां नीचे लगे, क्योंकि उसका हाथ लड़के का ऊपर आ गया, जो नौजवान इब्तिसाम जो हीरो था। कभी भी कोई किसी के बंदूक को पब्लिक में भाग जाते हैं लोग, उसने जाके उसको पकड़ा, उससे बजाय ऊपर गोलियां लगने के वो नीचे लग गई, बच गए हम। तो इन्होंने तो कसर नहीं छोड़ी थी, पर सेबोटाज किया। जो रिजल्ट था, जो GIT का रिजल्ट था, वो इन्होंने आते साथ ही सेबोटाज किया। सो जो मैं आपके सामने कह रहा हूं ये कि लोग आज क्यों यहां जमान पा के बाहर बैठते हैं, क्योंकि उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको हमारे इस मुल्क के इंसाफ के निजाम पे कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। वो देख रहे हैं कि लोगों को कभी किसी को उठा लेते हैं, कभी किसी को। अब मैं इन्होंने कहा जनाब मेरे ऊपर 2 पर्चे काट दिए कि मैं वहां जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में गया, इन्होंने कहा जनाब बड़े लोगों के साथ आ गया, वो दरवाजा टूट गया। झूठ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथ तो कोई भी लोग नहीं थे, क्योंकि इन्होंने नाके लगा के सारे लोगों को पीछे रख दिया, इतनी पुलिस और रेंजर्स थे उस दिन। तो जब तक मैं जब पास पहुंचा वहां, तो लोग वैसे जब सबको पता था कि मैं वहां जा रहा हूं तो लोग आना शुरू हो गए। इन्होंने उनको इश्तियाल दिलवाया, टेयर गैस, हमारे पास एविडेंस है सारी, टेयर गैसिंग शैली की, करीब जाके पुलिस पत्थर मार रही है लोगों को। उसके बावजूद 40 मिनट में बाहर खड़ा हो जाता हूं, उसके बाहर खड़ा हो जाता हूं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, और वहां इश्तियाल दिया जाता है लोगों को, जो पुलिस ने हरकतें की और पीछे नामालूम अफराद से जो करवा रहे थे इनसे, पूरी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह ट्रैप करके इमरान खान को वहां मरवाओ, लेकिन मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काट गए। अब मैं कल जाता हूं,
अब कल मैं जाता हूं इस्लामाबाद में, फिर अदालत में हाई कोर्ट जाता हूं, हाई कोर्ट जिधर मैं आगे निकल हाई कोर्ट में जाता हूं खुद, क्योंकि वहां हम किसी को नहीं लेके जाते, जो लोग मेरे साथ थोड़े बहुत आए थे वो वहां खड़े हो जाते। अब सारी आप वहां सहाफी खड़े थे, एक अल जजीरा का सहाफी था, उसकी रिपोर्ट देख, हमारे ऐसे लोग खड़े हुए हैं एकदम नामालूम अफराद शलवार कमीज के अंदर डंडे पकड़े हुए तहरीक इंसाफ के कलर्स के साथ, ताकि लगे तहरीक इंसाफ के लोग, और वो उन लोगों को डंडे मार के और पकड़ के हमारे लोगों को पकड़ के ले जाते। क्या अब मुझे बताएं क्या गलत काम किया था, कोई कुछ भी नहीं, आराम से खड़े हैं। और फिर से मेरी बात नहीं मानते, अल जजीरा रिपोर्टर की पूरी स्टेटमेंट है, उसने अपनी आंखों से देखा क्या किया इन्होंने। और सिर्फ पकड़ते नहीं है, जब मेरी गाड़ी गुजर रही होती है तो जो उस गाड़ी को मार के डंडों से शीशा तोड़ देते। आप बताएं क्या हमने क्या गलत किया था। मैं फिर से कहता हूं कि जो लोग इलेक्शन चाहते हैं वो इंतजार नहीं चाहते, जो इलेक्शन नहीं चाहते ये लोग, जो ये नामालूम अफराद और ये जो इनके साथ हो गए, ये कोई इलेक्शन नहीं चाहता, इसलिए इंतजार चाहते हैं। और इन्होंने हमारे लोगों को पकड़ जेलों में डाल दिया, यहां जमान पार्क में वो नामालूम अफराद आते हैं, कोई यहां से जा रहा है कोई चीजें लेने के लिए, वहां से पकड़ के उनको जेल में डाल देते हैं और वहां जाके तशद्दुद करते हैं। जो लोगों को इन्होंने जेलों में डाला, मैं वो नौजवानों को मिला 30-40 छुटके आए, जो उन्होंने कहानियां सुनाई कि पकड़ पकड़ के उनको मारना, एक एक को पकड़ के मारना, पता नहीं उनसे क्या इंफॉर्मेशन ले रहे। वो जो मेरा खनसामा पकड़ के ले गए अभी तक, वो बेचारा सफीर, वो यानी गरीब आदमी, यानी वो एक अपने बीवी बच्चे पालने के लिए वो बेचारा कमाई करने वाला आदमी, उसके देखने वाला है, वो कमजोर सा आदमी, उसको पहले यहां मारा, उसको वहां ले गए और उसे पूछ कह रहे हैं इमरान खान खाना क्या खाता है, इमरान खान खाना क्या खाता है। वो जब उसको पकड़ के लेके गए शहबाज गिल को, उससे पूछे जी बताएं इमरान खान खाना क्या खाता है। मेरे दो नौकरों को इन्होंने पेरोल पे रख लिया था, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था एजेंसीज ने उनको पेरोल पे रख लिया था। तो ये जो खाना क्या खाता है, क्या किसी को शक नहीं पड़ेगा कि आपको क्या इंटरेस्ट है उसके खाने से। जहर देने का प्रोग्राम है, क्योंकि ये जो शहबाज शरीफ के चार लोगों को हार्ट अटैक हुआ, जो गवाह थे, और डॉक्टर रिजवान को, तो सारों को हार्ट अटैक हुआ, ये कैसे हुआ। तो ये खाना क्या खाते हैं, वो सफीर को रखा हुआ है, जी खाना क्या खाता है इमरान खान। मैं जो इस पर जो आखिर में बात करना चाहता हूं वो ये है कि देखें, ये जो हरकतें आप कर रहे हैं इससे माशरे में नफरतें बढ़ रही हैं। इससे बिल्कुल ये ना समझे कि लोग डर जाएंगे, सोशल मीडिया की आपको समझ नहीं है, ये जो बच्चों को पकड़ के ले गए और अगवा कर गए, अजहर मशवानी को उसका पता नहीं है, फिर हसन नियाज़ी से जो किया है उसको कभी यहां पकड़ उधर से बेल लेता है, उस उठा के फिर एक और केस कर देते हैं, वो केस से बेल लेता है पकड़ के कोयटा भेज देते, कोयटा से बेल लेता है यहां आता, उसको अब कराची ले गए, अब कराची से पता चलता है जी उसको पेशावर ले गए। ये कौन से माशरे में होता है मुझे बताएं, किसी जमहूरियत में, और हमारी बताएं, मेरे 3.5 साल में बताएं, कभी किसी से ऐसे हुआ है। इनकी 30-30 साल से चोरियां थी, 95% केसेस इनके पुराने थे। हमारे तो सिर्फ दो बड़े केसेस हुए थे शहबाज शरीफ के, एक उसका 16 अरब का पकड़ा गया था वो मकसूद चपड़ासी वाला, जिस बेचारे को कैसे मारा है, और दूसरा था इसका टीटी केस, जो ये पापड़ वालों के जरिए पैसे बना रहे थे इसकी फैमिली। हमारा तो और कोई केस ही नहीं था, कितने हमने केसेस किए इनके, कितने हमने इनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस किए। तो ये जो हमारे ऊपर केसेस कर रहे हैं, मुझे बताएं इसकी कभी किसी जमहूरियत में कोई मिसाल है। और मुझे सबसे अफसोस क्या है कि इनके पीछे पाकिस्तान के वो लोग हैं जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि कौम इनकी वजह से आपके खिलाफ होती जा रही है, क्या नजर नहीं आ रहा, और क्या ये कोई कंट्रोल कर सकता है। मेरे ट्विटर के ऊपर तकरीबन 1 करोड़ कोई 70-80 लाख फॉलोअर है, क्या मुझे, मैं उनको कंट्रोल करता हूं, मुझे पता है वो कौन है। क्या किसी को सोशल मीडिया का पता है कि कौन क्या करता है, अगर प्रो पीटीआई भी है उसको, वो आजाद लोग हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, और बाहर पाकिस्तानी बैठा है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, क्या वो कंट्रोल में है किसी के। तो बजाय ये करें कि हमें डंडे मार के लोगों को
भेड़ बकरियों की तरह लाइन पे लगाने के लिए, आपको चाहिए पूछें कि क्यों तनकीद कर रहे हैं। तनकीद एक माशरे में जब आप खत्म करते हैं, माशरा मर जाता है। माशरे चलते हैं जब एक माशरे के अंदर इजाजत, जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत के अंदर तनकीद होती है, डिक्टेटरशिप में नहीं तनकीद होती। डिक्टेटरशिप का हाल देख लें, जो डिक्टेटरशिप फ्रेंको ने लेके आया स्पेन में, तो सारा स्पेन पीछे रह गया, सारा वेस्टर्न यूरोप आगे निकल गया। डिक्टेटरशिप्स अगर इतनी अच्छी होती तो आज ये सारी दुनिया की जमहूरियत खुशहाल ना होती, क्योंकि वहां तनकीद होती है। तनकीद से आप अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, आप अपनी इसलाह करते हैं। तो बजाय अपनी इसलाह करने के कि आप क्या गलत कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि सारी कौम किधर खड़ी हो गई, जाके आपको पता चल रहा है, हर जगह आपको नजर आ रहा है। ये जो मीनारे पाकिस्तान में क्या किया, वो पुलिस से पूछें जी ये क्या कर रहे हैं, जी ऊपर से हुक्म है। जिधर हम पूछते हैं कहते जी पीछे से हमें हुक्म आया। तो हुक्म आया कि जनाब जलसे की हमें, हमने इजाजत दी अदलिया के जरिए, अदलिया ने इजाजत दी, 3 दिन मिले वो जलसे की सारी प्रेपरेशन करने के लिए। कभी पाकिस्तान की तारीख में मीनारे पाकिस्तान के जलसे पे लाहौर को बाहर से भी सील कर दिया और लाहौर को अंदर से भी सील कर दिया, ये कभी हुआ ही नहीं है। जलसा फेल करवाने के लिए जो जो कोशिशें की गई, ये तो अब इसी से ही आपको नजर आ जाना चाहिए कि अगर आपने इतना जोर लगा के जलसा फेल करने की कोशिश की, तो वो जो लाखों लोग वहां पहुंच गए, वो आपको क्या मैसेज देने आए थे? वो देने ये मैसेज आए कि जिस रास्ते पे आप निकल गए हैं, अपनी भी तबाही कर रहे हैं, मुल्क की भी तबाही कर रहे हैं साथ। खुदा के वास्ते आंखें खोले अपनी, ये जिस रास्ते पे आप निकल गए हैं, ये इस मुल्क की तबाही है। और इसलिए बजाय ये हमारे सोशल मीडिया के बच्चों को उठाना, ये मुल्क की फ्यूचर है। बजाय ये पॉलिटिकल वर्कर जो कि अपने ये सारा अपना टाइम देते हैं, मुझे ये बताएं सोशल, आपने सोचा है कि ये जो वर्कर्स को उठा के जेल में डालते हैं, आपने कभी सोचा है कि इनकी फैमिलीज का क्या बनता है? ये कई डेली वर्जर्स हैं इनमें से, ये नजरियाती लोग हैं, पैसे वाले नहीं हैं, ये एक जज्बे के जुनून के लिए निकले हुए हैं। आप उनको पकड़ के 2 हफ्ते 3 हफ्ते बंद कर देते हैं, सोचा उनके घरों में क्या हो रहा है और इससे आप अचीव क्या कर रहे हैं? तो मैं इस पर वाइंड अप करता हूं कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप कर रहे हैं, और ये जो सारा मुल्क को इन चोरों को बचाने के लिए सारी पॉलिसीज बन रही हैं, ये इस मुल्क में नफरतें फैला रही हैं। और ये हो सकता है कि ये हम सबके हाथ से निकल जाए। अभी तक तो हम जलसा करते हैं, पुरमन करके वापस आ जाते हैं। हर जगह इमरान खान कहते हैं कि हमने कानून के बीच में रहना है, हर जगह मैं कहता हूं कि हमने कोई तसादम नहीं करना, हर जगह अपने लोगों को रोकता हूं जो इन्होंने जुल्म किया लोगों के ऊपर, जिस तरह मारा, जिस तरह जिले शाह का कत्ल किया, जो गुस्सा था सारा यहां, बार बार कहता रहा कि कंट्रोल करो, बार बार कुरान की उनको वो बताता हूं कि अल्लाह को जो सबसे ज्यादा पसंद है मुश्किल वक्त पे सब्र करना, इनको मैं दर्श देता हूं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसी तरह आप चलते रहे, ये आपके सबके हाथ से गेम निकलने वाली है, ये उधर तक पहुंच जाएगी, आप कोई भी कंट्रोल नहीं कर सके। और इसलिए मैं आखिरी बात पर आता हूं कि देखें, आज फिर हमें खबर है कि 30-40 औरतें जख्मी हुई हैं आटे देने के ऊपर, और अब तक 8 औरतें मर चुकी हैं या लोग मर चुके हैं आटे के डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए, कोई किसी को समझ आ रही है कि हम लोगों के हालात हैं क्या? कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन सारी दुनिया में लगा और निचला तबका पिस गया, हमने तब 14,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया। कभी आपने इस तरह का सीन देखा था? किस तरह हमने उनकी इज्जत नफ्स उसको बचाया, हमने ख्वातीन को बुलाया स्कूल्स के अंदर, पुरमन तरीके से वो बैठी वहां, बैठ के उनको बकायदा उनके बैंक अकाउंट्स खोल के उनको चेक्स दिए ताकि उनको जलील ना हो, सड़कों के ऊपर लाइनें मील मील की लाइनें ना लगे, ये इस तरह आटे की बोरी उठाते उठाते नुकसान ना हो, इंजरीज ना हो, जख्मी ना हो। हमने इसलिए कोशिश की कि उनकी इज्जत भी महफूज रहे और उनको जो जरूरत है पैसे की वो भी मिल जाए। पहले तो इससे नजर आता है कि इनको स्वाय पब्लिसिटी के, ये सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए, इससे ज्यादा इनको कोई फिक्र नहीं है माशरे की।
दूसरी बात यह कि क्या हम अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस तरह की 11 महीने में तबाही मची है इस मुल्क के अंदर, यानी जिस तरह की महंगाई आई है इस मुल्क में, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं आई, और फिर साथ साथ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही, जो आगे हालात हैं वो मजीद और बिगड़ते जा रहे हैं। आगे IMF का समझौता होने नहीं लगा, वो होने इसलिए लगा कि अगर उनकी कंडीशंस मानते हैं तो उनको पता है कि आगे महंगाई इतनी ज्यादा है ये अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, कंडीशन नहीं मानते, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, दोनों तरफ फंस गए हैं जाके। और क्या सबको ये समझ आ रही है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है इसका, इन किसी को, इनके पास कोई हल ही नहीं है, कोई रोड मैप ही नहीं है, और ये मजीद जो मामला बिगड़ेगा और ये जो लोगों के, जो हमारा आम कम अज कम 10 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनकी इस वक्त जिंदगियां मुश्किल में पड़ती जा रही हैं, जो सबसे निचला तबका है, तो क्या अंदाजा है कि ये कैसे गुजारा होगा आगे, क्या हमारे पास रास्ता क्या है इससे निकलने का। तो मैं इसलिए आखिर में अपनी सारी कौम को कहता हूं कि देखें, ऐसा वक्त है कि हम सबको अपनी आवाज बुलंद करनी है। मैं कभी कभी कौम को नहीं कहूंगा कि आपने किसी किस्म का तसादम कर लिया, लेकिन इस वक्त आपने अपनी आवाज बुलंद करनी है। जो जुल्म हो रहा है, ये जो लोगों को उठा रहे हैं, इसके लिए मैं अपने वकला को कहता हूं कि अगर वकीलों को उठा रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे, हमारे जो मेरे जो वकील हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, अगर वकील काम नहीं कर सकते, और फिर मीडिया को मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया या मीडिया से जो किया है, जो इन्होंने अरशद शरीफ और इन सब लोगों से किया है, अगर मीडिया वाले लोग अपना काम नहीं कर सकते, अगर मीडिया हाउसेस जिस तरह बोल को बंद कर देते हैं, जब हमारी इमरान खान की कवरेज नहीं आई तो क्या फर्क पड़ता, सोशल मीडिया पे आ जाती है। लेकिन आप मीडिया हाउसेस के ऊपर, ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कर रहे हैं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है कि मीडिया और जर्नलिस्ट इसके ऊपर अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे? और क्यों नहीं कि यहां टॉप सहाफी जो समझते हैं कि इस मुल्क की जमहूरियत खतरे में, क्योंकि अगर आजादी राय खत्म होगी, जमहूरियत गई, तो वो क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रहे? और मैं वकला को आखिर में कहता हूं कि कल एक बहुत तकड़ी सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर लॉयर्स कन्वेंशन है, इसके अंदर वकला को कह रहा हूं कि पूरी तरह इस पर शिरकत करें, क्योंकि ये जो आप जो तकसीम करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, इसके लिए पाकिस्तान के वकला को इस वक्त स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आपका काम रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करना पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी का काम है। तो कभी भी हमारा रूल ऑफ लॉ या हमारा जो इंसाफ का निजाम है, ये कभी भी इतना ज्यादा खतरे में नहीं जो आज है। तो मैं सब वकला को भी चाहता हूं कि आप मुतहद हों, और ये जो अगर बैरिस्टर हसान से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, और अगर सोशल मीडिया के लड़कों को इस तरह उठा रहे हैं वारंट के बगैर, नामालूम लोग आते हैं उठा के ले जाते हैं, तो किधर गई पाकिस्तान की वकला जर्नलिस्ट कम्युनिटी, और ह्यूमन राइट्स को क्यों नहीं, हम जो ह्यूमन राइट्स के आज तक आवाज बुलंद करते हैं, क्यों नहीं उनको ये नजर आ रहा? और जब तक कि हम इस सब जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, बढ़ते जाएंगे। और मैं आखिर में फिर अपने न्यूट्रल्स को कहना चाहता हूं कि अभी भी कोर्स करेक्शन करने का जरूरत है, अभी भी रास्ता दुरुस्त कर लें, क्योंकि ये जो रास्ता आपने पकड़ा हुआ ना कि खौफ फैलाने का और डराने का, धमकाने का, ये बैकफायर कर रहा है, इससे कोई नहीं डर रहा, बल्कि लोगों के अंदर नफरतें बढ़ रही हैं, और ये हल नहीं है, हल सिर्फ एक ही है, साफ और शफाफ इलेक्शन। शुक्रिया।